Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, the great viewers. Welcome to program Baak Maalo aur aapka mezban Hasbe Mahbub Yaqub Javed Kamiana Hazir Khidmat hai. The great viewers, aaj hum aapko ek bade munfarid topic se us pe upar guftgu karenge aur beshumar apne zati jo mushahidat hain us pe mabni aapko waqiat batayenge aur आज के टॉपिक जो है बात मार लोग में वो है पेशेंस, तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त, जिसकी बिल्कुल आजकल फुकदान हो गया है, कमी हो गई है. क्या वजह है, क्यों डिप्रेशन है, लोग एरोगेंट हो गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं. तो आइए हम आपको पहले सरदार अंबिया की वो मजलिस में लिए चलते हैं जहां आप तशरीफ फरमा है. सहाबा इकराम वो बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है और उसमें जनाब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा है. महफिल सजी हुई है, अल्लाह और उसके अहकामात का जिक्र हो रहा है, दीन की बातें हो रही हैं, इस्लाम की बातें हो रही हैं, फतूहात की बातें हो रही हैं और रियासत मदीना की बेहतरी की बातें हो रही हैं, मक्का की बातें हो रही हैं, गरीब गुरबा की बातें हो रही हैं, बेवा की बातें हो रही हैं, बच्चों की बातें हो रही हैं, हत्ता के सरदार अंबिया की महफिल में फरिश्ते भी बअदब खड़े सब सुन रहे हैं. इसी दौरान एक बदबख्त नाज़रीन आपसे गुजारिश करेंगे कि इस सेइंग और कोटेशन में कोई कमी बेशी हो तो हमें माफ कर दीजिएगा और उलमाए इकराम से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि उसकी तसीह फरमा दें. लेकिन जो हमने पढ़ा, जिसकी अथेंटिकेशन भी की, उसके मुताबिक एक काफिर यहूदी नॉन कलमा को वो आया और उसने आके हजरत अबू बकर सदीक की रजी अल्लाह अन्हु की ईशान में गुस्ताखी शुरू कर दी. कोई लेन देन का मामला था, जो भी था वो बहुत हजियान बकरा था, बदतमीजी कर रहा था और आप खामोश सुन रहे थे उसकी बातें. उसने इंतहा कर दी और इस हद तक वो गलीज इंसान अपनी गुफ्तगू में गिर गया कि मजबूरन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु को बड़े दबे अल्फाज में ये कहना पड़ा, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि यार जान भी छड, तो उस इस तरह के कोई अल्फाज उन्होंने अरबी में बड़े स्विफ्ट अंदाज में उसको उससे छुटकारा कि वो जान ही नहीं छोड़ रहा था, बदतमीजी कर रहा था. तो जो ही आपने रिएक्ट किया तो नाज़रीन द ग्रेट व्यूअर्स जरा तसव्वुर फरमाएं कि कोई आज के दौर में आपके साथ, आप दोस्तों में खड़े हों, आप फैमिली में खड़े हों, आप किसी महफिल में बैठे हों और आपसे कोई लेन देन करने वाला बंदा आके बदतमीजी करे तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे, आपका बेटा खड़ा हो वो क्या सलूक करेगा. तो हजरत अबू बकर सदीक की बर्दाश्त की जब इंतहा हो गई और वो बदबख्त वो इंतहा की तमाम हदूद फलांग गया, क्रॉस कर गया और बात दस्तो ग्रेबान तक आने लगी, तो सिर्फ हजरत अबू बकर सदीक महबूब रसूल ने इतना कहा कि यार मेरी जान छोड़ो, जाओ चले जाओ. इसी असना में सरदार उलंबिया सख्त नारा हो गए, आप गुस्से से लाल पीले हो गए, सब परेशान हो गए. सहाबा को तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि पूछते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गुस्ताखी होगी अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु से, लेकिन डरते डरते जब पूछा आपकी नाराजगी तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था. तो आपने फरमाया, अबू बकर तुमने जुल्म कर दिया, जब वो बदबख्त तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, हजियान बकरा था, तो उसकी गर्दन दबोचने के लिए फरिश्ते आ चुके हुए थे, लेकिन अबू बकर तुमने जुल्म कर दिया. जब तुमने उसको जवाब दिया, रिएक्ट किया और फरिश्ते वापस चले गए. लिहाजा आप अंदाजा करें कि पेशेंस की इंतहा है. तो आइए नाज़रीन, जिसका अब आप देख रहे हैं आज के दौर में, आज के माहौल में, अपने हम घरों में देखें, अपनी बाहर महफिलों में देखें, अपने दफातर में देखें और मुल्क में पाकिस्तान के अंदर अपने इर्द गिर्द अगर हम नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि इंतहा हो गई है, वायलेंस आ गई है, शिद्दत आ गई है, मारने मिटने पे आ जाते हैं, जरा सी बात पे
अभी मैं आज एक एक फुटी देख रहा था, एक छोटी सी बात पे एक शख्स ने किसी होटल के मैनेजर को फायर करके मार दिया, छोटी सी बात पे। सिंध में कोई बेचारी किसी की बेटी नाच रही थी, डांसर थी, उसके साथ वाहियात डांस करने से जब उसने इनकार किया तो उसको मार दिया गया। एरोगेंस की इंतहा हो गई है। इंसान का मारना तो उसकी कोई कीमत नहीं रह गई, इंसानों को जला देना कोई कीमत नहीं रह गई, फैक्ट्रियों की फैक्ट्री जला देने कोई कोई बात ही नहीं, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। कोई सरदारों लंबिया जैसा मुनसिफ, दो जहानों का सरदार, अब कहां से उसके फॉलोअर लाए, अब तो बेरहमी का शिकार हो गए। मैं आपको चंद अपनी जो मेरे साथ मुशाहदात हैं लाइफ के, जो मुझे फेस हुए, जिसको मैंने फेस किया, वो आपसे शेयर करवाते हैं। कि बहुत पहले एक फोकर जहाज के ऊपर गवर्नर जिलानी साहब ने जाना था, और हम चूंकि पीए के जूनियर मुलाजमीन थे, जूनियर स्टाफ थे, तो मेरी ड्यूटी थी उनको प्रोटोकॉल देने की। जनरल जिलानी साहब की सीट हमने एयर क्रू को बताया कि वो इस सीट पे बैठेंगे। जब मैं जनरल साहब को लेके गया, और वो गवर्नर पंजाब भी थे, धीमा इंसान था, मैं जब उनको लेके जहाज पे गया तो मेरी आदत थी कि मैं पहले जाके एसओपी के मुताबिक वो खुद विजिट करता था। जब मैं जनरल साहब को लेके अंदर, जनरल जिलानी साहब और उस वक्त वो गवर्नर पंजाब को, जब मैं लेके जहाज में दाखिल हुआ तो उनकी सीट पे एक साहब बैठे हुए थे। मैंने उनको अभी इशारा ही किया कि गवर्नर साहब की सीट है, तो कैन यू बिलीव, लाख हम कीड़े निकालें कि जो फौज ने ये कर दिया, फौजी ये था, जो भी छोड़ दें, एटीट्यूड सबसे बेस्ट है। क्यों कदर करते थे लोग माजी में, फौज की क्यों कदर थी। अब फुकदान का जो आया है, वो गैप आया है, मोहब्बत में कमी आई है, इस पे बाद में बात होगी। पहले देखिए कि जो ही मैंने कोशिश की कि उस मुसाफिर को कहूं कि ये गवर्नर पंजाब जनाब जनरल जिलानी साहब की सीट मुख्तस है, और क्रू को भी बता दिया है, क्रू ने गलती से ख्याल नहीं किया और वो दूसरे साहब बैठ गए, तो कैन यू बिलीव कि मेरे कंधे पे गवर्नर जिलानी साहब मरहूम ने हाथ रखा और मुझे इशारा किया कि इनको मत उठाएं, मैं इनकी सीट पे बैठ जाऊंगा। एक ये देखा अपनी आंखों से, बहुत जूनियर थे, लर्न किया कि इतने बड़े मर्तबे का इंसान और क्या धीमा, और वो बहुत कुछ कर सकते थे, उल्ट पुल्ट कर सकते थे, पूरी पीए को सस्पेंड कर सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, मेरे तो आगे कोई हैसियत ही नहीं थी, मैं तो जूनियर था। लेकिन इसके साथ ही देखिए कि ये ज्यादा दौर की बात है, फिर ज्याद साहब के एक बहुत ही लाडले, बहुत ही चहेते, और वो शेफता साहब थे, पूरी पीआई को उन्होंने आगे लगा रखा हुआ था, एक डॉक्टर बिशारत जज्बी थे, उन्होंने आगे लगा रखा हुआ था, इंसान डरते थे, वो रौनते हुए जाते थे, वो दौर के हिटलर थे, मिट गए, फना हो गए, फना फिल्ला हो गए। आइए हम आपको शेफता साहब की बात बताते हैं। मैं शूमी किस्मत, मैं वीआईपी गाड़ी लेके, कोस्टर थी वो, लेके जहाज पे पहुंचा, शेफता साहब कहीं अगली सीट पे बैठे थे, छोटा जहाज था और गाड़ी भर गई, तो साथ ही वीआईपी लॉन्च था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं गाड़ी लेके चला गया, वीआईपी उतरे, तो मैं वापस लेके गया गाड़ी दोबारा सेकंड राउंड के लिए, शेफता साहब खड़े हुए, उन्होंने उस वक्त जनरल साहब को कॉल कर दिया, हिला के रख दिया, सारी पीआईए को हिला के रख दिया गया। लेकिन हमने, अच्छा दौर था, अच्छे लोग थे, कमाल के बा कमाल लोग थे, और उन्होंने जवाब दिया, उनसे डिटेल मंगाई कि ये हुआ, इस गाड़ी में इतने वीआईपी थे, शेफता साहब की सीट आगे थी, ये थे। ऐसा भी है कि इंसान दरिंदा बन जाता है, खाने पे आ जाता है, मारने पे आ जाता है, दबाव बर्बाद करने पे आ जाता है। लेकिन हम मिसालें फिर वही इमाम ओलंपिया की, सबकी, लेकिन दो मिनट के अंदर अंदर फिर हम भेड़िए बन जाते हैं। एक और आपको बताता हूं, बहुत दफा कह चुका हूं कि ये एविएशन से रिलेटेड है, सखर फ्लाइट लेट थी, ताखीर की वजह मौसम की खराबी थी, खुर्शीद शाह साहब बड़े सीनियर पायलटेरियन हैं, आए सखर से लाहौर एयरपोर्ट के पुराने वीआईपी लॉन्ज में आए, उन्होंने जो वहां वीआईपी लॉन्ज के इंचार्ज थे अदीस राणा साहब, उनसे पूछा क्या हुआ, सही ये हो गया, वो उन्होंने कोई बात नहीं की, और खुर्शीद शाह साहब ने ये 98-99 की बात है, थप्पड़ मार दिया, सरेआम थप्पड़ मार दिया, पीआई इंतजामिया खामोश बेबस,
ये गरीबों की बात करते हैं, ये मेरिट की बात करते हैं, ये तहमल की बात करते हैं, ये कंप्रोमाइज की बात करते हैं, ये रिकंसिलेशन की बात करते हैं। ये आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं, आज भी अदनान साना जिंदा है, कोई कसूर नहीं था, पीए की फ्लाइट लेट थी, मौसम खराब था, कहां गई पेशेंस, तकरीरें, पार्लियामेंट, सारा दिन इनकी तकरीरें सुने, इनका लिबास देखें और अपने इनके करतूत देखें, उसके बाद आगे देखिए। एक हमारे पीए के ऑफिसर खास शीमा साहब थे, वीआईपी लॉन में मौजूद थे, और ये कमरुजमान गारा साहब जो पार्लियामेंटेरियन है पीपल्स पार्टी के, अब तो पार्लियामेंटेरियन नहीं है लेकिन उनके बड़े सुखेल हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में बात करते हैं। उनके दूसरे भाई भी हमारी उनसे मुलाकात है, तमीज से बात करते हैं। उनके वालिद मोहतरम मरहूम जो दुनिया से चले गए, उन्होंने खास शीमा साहब से सिर्फ सीट आगे पीछे, ये सीट अपनी नहीं छोड़ते कि हमने अगर 5 रो आगे है तो गरीबों की बात करने वाले उस 5 रो पे ही बैठेंगे, 21 रो है उस पे ही बैठेंगे। क्या बताएं, ये तो सीट के लिए जो जहाज में लगी हुई है, जिसने वहीं रहना है उन्होंने आगे पीछे चले जाना है। सीट आगे पीछे हुई, चांस की सीट थी, इफ्तार शीमा साहब के मुंह पे भरे पीआईपी लॉन्ज में चांटा मार दिया। तारीख पे लिखा हुआ है, गवाह है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। लेकिन कमाल बात है, शहीद बेनजीर भुट्टो को जब पता चला, अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे, शहीद तो वैसे ही नहीं मरता, कमाल खातून थी, उनको जब ये पता लगा कि उनके एक पीपल जियाले ने एक पीआईए के बिल्कुल कमजोर से ऑफिसर को चांटा मार दिया, तो उन्होंने कहा उनसे जाके माफी मांगो, पीआईए से माफी मांगी जाए, ये लोग भी थे, याद रखा जाएगा। चलिए हम आपको और एक बात शेयर कराते हैं, फ्लाइटें लेट थी, हाई कोर्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर बर्जीस भागते हुए कि जस्टिस कयूम साहब ने जाना है, बहुत बुरा हाल था, उसी फ्लाइट पे चौहान जज साहब जा रहे थे, मैनी पार्लियामेंटेरियन जा रहे थे, जस्टिस कयूम भी थे, बड़े तुरम खान जज थे, लोग डरते थे, और बड़े फने खान जज थे, उनकी नजर में माफी नाम की कोई चीज नहीं थी। उनको जब वो वीआईपी लॉन्ज में आए तो वो बताया गया कि फ्लाइटें लेट हैं, मौसम खराब है। तो जनाब सुनिए, ये जुल्म देखिए इस मुल्क में, गरीबों का नाम लेने वाले जो अदलिया के जज साहब थे, उन्होंने ये बात, नाज़रीन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कैमरे में कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं, कि जस्टिस कयूम साहब ने अदालत लगा ली और ऑनरेबल जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम चौहान जज साहब ने कहा कि जज साहब मेहरबानी करो, वो पंजाबी में बात करते हैं, जान दो। तो जज साहब ने कहा कौन है मैनेजर, तो मुनव्वर संजीला साहब अभी हयात हैं, उनकी सेहत खराब है, हमारी उनके लिए दुआ भी है, सेहतयाबी के लिए उनको बुलाया गया और वहीं अदालत लगा ली गई भरी वीआईपी लॉन्ज में, और उनको नोटिस कर दिया गया। और ऐन मुमकिन था कोई और लोग ना मेहनत कर ला करते, क्योंकि वो चौहान शुजात साहब को डांट चुके थे, क्योंकि उस वक्त तो बतौर कोर्ट कंडक्ट करना शुरू कर दिया था, वीआईपी लॉन्ज में कोर्ट लगा दी गई कि इंसान ने मरना नहीं, कहां चले गए साबिक चीफ जस्टिस साहबान, रहे नाम अल्लाह का, कहां जरनैल चले गए, कहां वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में पड़े हुए हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर मुकदमात हैं, आसफ जरदारी साहब, हमारे अपने मुल्क से बाहर जरा नजर मारी, क्या हो रहा है। एक और बहुत खूबसूरत, आपको बहुत ही तारीख साज पेशेंस की इंतहा और शेर हम कराते हैं, कराची एयरपोर्ट है, दुबई या किसी मिडल ईस्ट से फ्लाइटें बेशुमार आई, एक पैसेंजर उतरा, माड़ा सा पैसेंजर, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बेचारे ने छोटा सा बक्सा पकड़ा हुआ, जब उतरा, उतरते वक्त और चढ़ते वक्त जो मुसाफिरों के साथ हाल होता है, उसका हाल या मैं जानता हूं या सिविल एविएशन के लोग जानते हैं या पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइंस के लोग जानते हैं, ऑफिसर जानते हैं या वो मुसाफिर जानते हैं जो यहां से सारा साल से ट्रेवल करते हैं, कि उनके साथ क्या बीतती है। इसको भी हम इम्प्रूव करवाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इज्जत और वकार से इन लोगों को जो बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और मुल्क में भेज देते हैं, 2 साल के बाद हैं, 2 साल के बाद आते हैं, 4 साल के बाद आते हैं, पता चलता है बेटी का जहेज ही लूट लिया गया है, निकाल लिया गया है, बेटी के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, किसी बहन भाई के लिए एक मोबाइल लाए थे वो चोरी हो गया है,
बेटे के लिए लैपटॉप लाए थे वो चोरी हो गया है, लुटते पुटते बाहर निकला। जब वो कस्टम हॉल में वो मुसाफिर पहुंचा, ये कराची एयरपोर्ट का ये वाकया है और ये उस शख्स ने सुनाया जो इस दुनिया में नहीं रहा और जो डिप्टी कलेक्टर कस्टम थे मरहूम अनवारुल हक साहब ने ये मुझे ये खुद बात बताई कि आज तो इंतहा हो गई। जब वो मुसाफिर बाहर निकला तो पहले इमिग्रेशन पे थके, फिर फलां जगह पे थके, फिर नीचे आया। जब वो कस्टम हॉल में पहुंचा तो कस्टम हॉल में उसने सारा बेचारे ने अपना सामान चेक करवाया और जब दरवाजे पे पहुंचा तो वहां एक सादा कपड़े में जो साहब खड़े थे उन्होंने भी सामान रोक लिया। वो तंग आ चुका और तंग आमद बजंग आमद वो पागल हो गया और उसने आओ देखा ना ताओ देखा कि ये कौन शख्स है। वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो पागल हो गया। वो कई सालों के बाद आ रहा था, बाहर उसके बच्चे खड़े थे, बाहर उसकी बीवी खड़ी थी, बूढ़ी मां खड़ी थी, भाई खड़ा था। उसने नहीं देखा, उसने आओ देखा न ताओ देखा और एक अदर जनाटेदार थप्पड़ उस शख्स को जड़ दिया। लोग दौड़े, यूनिफॉर्म में ऑफिसर दौड़े, पुलिस बुलाई गई, एजेंसियां आ गई, लेकिन आफरीन है मैं तो वहां नहीं था, लेकिन जिस शख्स ने मुझे बताया उस इदारे का वो कस्टम के डिप्टी कलेक्टर अनवारुल हक मरहूम थे, मारूफ शख्स जो चंद साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। वो तमाम भागे दौड़े कि इसको गिरफ्तार करवाया जाए, लेकिन जिस शख्स के मुंह पे चांटा पड़ा उसने सबको मना कर दिया। उसने कहा इसने दुरुस्त चांटा मारा है, पीछे सब तुम्हारे मुंह पे भी चांटे लगने चाहिए। तो ग्रेट व्यूअर्स वो कौन थे? वो ऑन ड्यूटी असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम सादा कपड़ों में थे। और फिर उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि इज्जत किया करो, लोगों का ख्याल रखा करो, जो शख्स मर्जी जिसको मर्जी रोक ले। ये पेशेंस की इंतहा बता रहा हूं। तो मैं तो गुजारिश ही करूंगा कि न जाने क्या हो गया है, चिड़चिड़ापन आ गया है बच्चों में, वालदैन में, असातिज़ा में। आप रोज देख लें कि स्कूलों में बच्चे, छोटे से मासूम बच्चे की बाजू तोड़ दी गई। सिंध में एक बच्चे को माजूर कर दिया गया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, आग लगा दी जा रही है, तेजाब फेंका जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? एक तो दीन से बेरारवी हो गई, नेट ने हमें बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने हमें बर्बाद कर दिया, ये सोशल मीडिया ने हमें जहां इलम दिया, हमें अक्लो शोर में दिया और दुनिया के साथ मुंसलिक किया, वहां हमें तबाह बर्बाद भी करना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम रोज जनाब चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब को सुनते हैं, जजेस को सुनते हैं। उम्र के इस हिस्से में है कि आज से 30 साल पहले भी छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक जाने का मौका मिला, देखा, जुडिशी देखी, आला अदलिया देखी, अदालत उज़्मा के जजेस साहबान से इंटरेक्शन रही, क्योंकि एयरपोर्ट तो ऐसा ब्रिज था, साफत तो फिर 98 से शुरू हुई, लेकिन उस पुल से नीचे बड़े बड़े कलियों वाले खामोशी से गुजरते थे। हमने कभी ऊंची आवाज में किसी ये जो बहुत सीनियर लेवल के बुकला साहबान है उनमें से कभी किसी को ऊंची आवाज से नहीं देखा। वो हमले से प्यार करते थे, जजेस साहबान प्यार करते थे, उनके प्रोटोकॉल अफसर वो फुदकते वुदकते थे, लेकिन उसमें भी बेहतरीन लोग थे। हमारे अभी दोस्त हैं, जुबैर हैं, शाह साहब हैं, प्रोटोकॉल करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन बजीस नाम का प्रोटोकॉल अफसर भी था जो फिर सैक हुआ, निकाल दिया गया। जजेस के नाम पे वो लोगों को तंग करता था, लेकिन हमने ऊंची नहीं देखा कि जस्टिस साद सऊद जान अपनी अदालत में बैठे हों, जस्टिस असलम रियाज साहब अपनी अदालत में बैठे हों, जनाब शेख रियाज साहब अपनी अदालत में बैठे हों, जनाब इजाज निसार साहब अपनी अदालत में बैठे हों। हां, खलील नंदे साहब हमें बहुत मोहब्बत करते थे, वो जरा खड़के दड़के से बैठते थे और पुलिस के तो वो सख्त खिलाफ थे, क्यों ना आपकी बेटी उतार दी जाए, क्यों ना ये कर दिया जाए। लेकिन 99% खामोश और उनके जो लिप्स थे वो भी कम हिलते थे। बस का तो मुझे ऐसा लगता था, जब कभी कभार मैं जाता था तो ऐसे लगता था जैसे जज साहब ऊंग रहे हैं, लेकिन उनके डिसीजंस, उनके फैसले वो आज तक कोर्ट किए जाते हैं। मैं बड़े मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं जनाब जस्टिस कार्नेलियस साहब का कमरा देख के आऊं फ्लैटिस होटल में, जहां वो आखिरी दम तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और अदलिया का फ्लैग बुलंद करते हुए इस दुनिया से
आज हानि हो गए। हम तो गुजारिश कर सकते हैं हमारे जनाब मोहतरम हिज लॉर्डशिप जनाब मियां साकम निसार साहब रुख्सत होने वाले हैं, सब ने रुख्सत हो जाना है। तो मियां साहब आपने बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे काम किए, लेकिन ये आपसे दरखास्त ही कर सकता हूं, और आप जा रहे हैं इज्जत से जाएं, खैरियत से जाएं, और आपने कुछ काम तो ऐसे कर दिए जो कोई नहीं कर सकता था, जो बड़े बड़े मगरमच्छों को कोई हाथ नहीं डालता था आपने हाथ डाला। लेकिन दरखास्त ही कर सकते हैं कि आप कहते हैं मेरी अदालत, ये अल्लाह की अदालत है और आप उसके अमीन हैं, ये पाकिस्तान की आला अदलिया है, और आपकी वालदा खुश नसीब मां जिसने आपको जन्म दिया और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए, तो फिर इतने बड़े मर्तबे पे आपकी अदालत में कोई आए तो रुस्वा होके ना जाए, फैसला कानून के मुताबिक हो। आप बेहतर समझते हैं, हिसाब आपने देना है, क्योंकि मुनसिफ ने सबसे ज्यादा जवाबदेह रब्बे कायनात की अदालत में होना है, लिहाजा उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो दरखास्त कर सकते हैं, आपकी रिटायरमेंट में मेहमान हैं और तारीख लिख जाइए, कई को इंसान है कोताहियां हुई होंगी उसको धोना धो के जाइए। मैंने जनाब मोहतरम मियां साहब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरी उम्र आपसे ज्यादा है 60+ हूं, लेकिन मालिक कायनात का कर्म है, खुश हवास से कह रहा हूं, आपने देखा इफ्तखार मोहम्मद चौहरी साहब और सारी अदलिया सड़कों पे रुल गई, सिपाहियों ने उनके बाल नोचे, पंजाबी वाले जुंडे नोचे, सड़कों पे रोते थे, जलसे करते थे, एहतजाज करते थे, हमें तरस आता था, वुकला ने सर फड़वा लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया, उस लॉन्ग मार्च के बदले में अदलिया बहाल हो गई, तो लोग आपके जलसों में भी आते। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जनाब इफ्तखार चौहरी साहब डोमेस्टिक फ्लाइट से उतरे, चंद बंदे साथ नहीं थे सर, बाहर मोटरसाइकिलें थी, किसके लिए खड़े हुए थे, एहतजाज के लिए खड़े हुए थे, और किसका इंतजार हो रहा था, मैं हल्फन कह रहा हूं, हल्फन जनाब माय लॉर्ड किसका इंतजार कर रहे हैं, चीफ जस्टिस जनाब इफ्तखार मोहम्मद चौहरी साहब, उनके साथ जनाब मोहतरम अतर मेनुल्ला साहब थे जो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, चंद लोग और थे, कोई साथ नहीं था सर, बाहर भी चंद मोटरसाइकिल सवार थे, और मैं बाहर मोटरसाइकिल सवार वाली जो रैली थी उसको देख रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन एहतजाज तो कर रहे थे, उनकी अपनी नौकरी चली गई थी, लेकिन उन्होंने एक डिक्टेटर के सामने वो डट गए, बड़ी बात है, सबकी नौकरियां चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी बहाली के लिए वही कदम उठाया जो लोग उठाते हैं। तो वो किसका इंतजार कर रहे थे, ऑनेस्टी स्पीकिंग पूछ लीजिए हयात हैं, वो कह रहे थे ख्वाजा साद रफीक आ रहे हैं अंदर, और वो थोड़ा सा लेट पहुंचे, ये बाहर निकले, चंद मोटरसाइकिलें थी, फिर मॉब बना, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एतजाज हसन साहब और बेशुमार वुकला लतीफ खोसा सर फट गए कराची में, वुकला आपकी बहाली के लिए माय लॉर्ड जल गए, जला दिए गए, 12 मई का वाकया उठाइए, उसको खंगालिए, कौन कातिल है, जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा जो वहां बैठे अपनी कमर का इलाज करवा रहे हैं, जनरल साहब ने कहा ऐसा तो फिर होता है, ये तो बड़ा जुल्म है, उसको भी उठाइए सर, जाते जाते उनको भी फाय लगा दीजिए, और जिन्होंने कराची की फैक्ट्री में इंसानों को जला दिया उनको भी फाय लगा के जाइए, आपने बहुत कमाल काम किया, ये गरीब गुरबा मोबाइल, आपका मोबाइल भी सरकारी है, तमाम जजों का, तमाम जनरलों का, तमाम पाकिस्तान के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है, मोबाइल फ्री है, मोबाइल तो सर बेचारे 200-400 का लोड तो हम जैसे लोग डलवाते हैं, आपने वो कमाल काम किया है, और फिर आपको किसी ने कान में कह दिया कि इसको डैम फंड में क्यों ना डाल दिया जाए, सारी आपकी नेकी पे पानी फिर जाना था, खुदा करे आप उसको इस तरह ही रहने दें, और ये बड़े कमाल का काम, फिर और बेशुमार काम है, लेकिन एहतसाब के बारे में आपसे दरखास्त है, जाते जाते पूरा पंजाबी वाला सुहागा भेज दीजिए ताकि किसी को गिला ना हो, आपको लोग फूलों से भेजें ना कि आहों और सिसकियों और बद्दुओं से भेजें, कोई तकरीर नहीं कर रहा, दरखास्त कर रहा हूं,
कि लोग बड़ी इज्जत से गए और लोग बड़े रुसवा होके गए। फैसला मैंने और आपने और हम सब ने करना होता है कि अपने इदारों से कैसे जाना है और इस दुनिया से मालिक कलमे के साथ ही भेजे। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि चंद दिन पहले एहतजाज के दौरान एक नाहंजार ने, नालायक ने जज्बात में आके अपनी पार्टी की मोहब्बत में आके बाजवा साहब की शान में गुस्साई की, गालियां बकी। मैं उसको बहुत कंडेम करता हूं, लेकिन जनाब बाजवा साहब एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप उसको माफ कर दें। आप बड़े जर्नैल हैं, आप उसको माफ करें, इसलिए कि लोग मुनाफिक हैं, लोग सोशल मीडिया पे आपको आपकी शान में गुस्साई करते हैं, बाद में करते हैं, कहीं इधर कर कहीं उधर कर। वो तो उसको आप अल्लाह की राह की, अल्लाह की रजा की खातर माफ कर दीजिए, इसलिए कि वो तो दरेर है जिसने आपको सामने कहा, आपके सामने कहा। तो अगर हो सके, मैं नहीं उसको जानता कौन है, लेकिन ऐसे समझें जैसे सड़क पे चलते हुए पागल भी तो पत्थर मार देता है। पश्तीन ने भी बहुत हजान बक दिया, मौलवी जिसको अब आपने पकड़ा, जिसने मुल्क की तबाही खादम रिजवी साहब ने मचा दी, तारिक कादिर साहब ने कहा आग लगा दो, शेख रशीद साहब ने कहा जला दो सारा कुछ, भस्म कर दो। अगर इनको माफी मिल गई और ये वजीर बन गए हैं तो उसको भी माफ कर दें। अल्लाह आपको माफ करेगा, हमें भी माफ कर दीजिए। हम तो आपको मेहनत ही कर सकते हैं, हम आपसे बार बार कहते हैं, दरखास्त करते हैं कि हमने 65 की जंग देखी, आपको बताया कि 65 की जंग हमने किस शौक से लड़ी, कौम ने किस शौक से लड़ी। उसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो पाक फौज के जवान जब फाजिलका सेक्टर्स में, हमारी साहिवाल रिहायश थी, स्कूल में पढ़ते थे, जब फाजिलका सेक्टर से शहर में दीपालपुर बाजार, पाकपतन बाजार, जो साहिवाल के वो खूबसूरत बाजार है, जिन गलियों में हम खेले पढ़े बले, उसमें जब वो सौदा सिर्फ लेने आते थे, तो जनरल साहब, माय लॉर्ड, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, तमाम एजेंसीज और हमारे बच्चे जो ISI, MI के तमाम एजेंसियों के बच्चे हैं, आप अपने वालदैन से पूछिए, उनके ऊपर जेवर फेंकती थी बुरी माएं, जेवर फेंकती थी, सब कुछ निछावर कर दी थी जी। दरखास्त यह है कि आइए वही फौज लौटाइए, चूमे आपके हाथ, चूमे आपके माथे, चूमे आपको प्यार करें, आपकी तस्वीरें अपने घरों में लगा लें कि हमारे पाक फौज है। ये नफरत की दीवार गिरनी चाहिए और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से दहशतगर्द को बिल्कुल मिलिया मेट कर दें, तमाम आपके साथ हों। ये हुकूमत का गिरा देना, ये किसी को बना देना, ये किसी को उठा, ये आपका काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदान एक दफा दो दफा साफ हो जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा, नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे, मिलिया मेट हो जाएंगे। इस तोड़फोड़ से बड़ी बदनामी होती है। फिर 10-10 साल मुकदमे चल रहे हैं, ये सभी ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह आप मिलिट्री कोर्ट्स में रैपिड एक्शन, इस तरह हमारी अदालतों में फैसले, आज जो सारे सियासतदान चीख रहे हैं नैब बुरी है, नैब बुरी है, भाई नैब को बनाया हमने तो नहीं बनाया, आपने बनाया, किसके लिए बनाया आपने? अपने बरसरे इकतदार वालों ने, किसी ने सैफ रहमान पैदा कर दिया, उसने तबाही मचा दी, फिर मुशर्रफ साहब ने अपनी एक मंतक घड़ ली, उन्होंने एक लॉन्ड्री फैक्ट्री ऐसी लगा दी, नैब लॉन्ड्री फैक्ट्री, जिससे जिसमें भट्टी में जो हिटलर वाली भट्टी थी उसमें डालते जाते थे, जो तौबा तायब होता था, जो काफ मीम नून इस तरह का बनता था, उनकी माफी। लेकिन फिर अब यही सिलसिला शुरू हो गया, नैब आपने बनाई है, लिहाजा ये इदारे आपने बनाए हैं, इनकी बेहतरी कीजिए, लेकिन करप्शन के खिलाफ लठ होनी चाहिए। और जो करप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी करप्शन का भी ख्याल रखिएगा। हमारी गुजारिश है कि पेशेंस, तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त, इसकी कमी हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है, इदारे बर्बाद हो रहे हैं। जब इंसाफ भी हो रहा हो और मुंसिफ मौजूद हो, हमारी दलेर आर्मी मौजूद हो, सियासतदान बेचारे
برف گرتی ہے تو بیچارے سیاستدانوں پہ اداروں کو بچایا جائے، ملک سلامت رہے، ہماری دنیا میں قدر ہو، ہم یہی ہر وقت دعا گو رہتے ہیں، ہم درخواست بھی کرتے رہتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دعاؤں کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کہیں گے کہ یہ قوم اتنی محبت کرنے والی ہے، یہ 21-22 کروڑ عوام جو ہیں ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں، کبھی قرض اتارو، ملک سنوارو، کبھی ڈیم کے نام پہ، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، یہ حاضر رہتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا بھی حکمرانوں کا فرض نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے اور لوٹتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔